हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम फंजाई की वेजिटेटिव और ए सेक्स और रिप्रोडक्शन को कवर कर चुके हैं। फंजाई मोस्टली ए सेक्स और रिप्रोडक्शन करती है। सेक्स और रिप्रोडक्शन उस वक्त करती है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन हो। इसकी क्या रीजन होती है? अगर हम जाइगोमाइकोटिना की बात करें, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट जाइगोस्पोर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब जाइगोस्पोर जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसकी मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद माइटोसिस से स्पोर्स बनते हैं। एडवांस फंजाई की बात करें, जाइगोस्पोर जो हमारे पास है ये लोअर फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम एडवांस फंजाई की बात करें तो वहां पर डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है। डाइकैरियोटिक स्टेज में अनफेवरेबल कंडीशन तक डाइकैरियोटिक स्टेज रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है फिर डाइकैरियोटिक स्टेज से फर्दर वन मियोसिस होती है, फिर माइटोसिस से फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसमें स्पोर्स होते हैं। तो ये हमारे पास था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। तो सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द सेक्स रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई। इसमें हाइफा के दो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। द सेक्स रिप्रोडक्शन ऑफन अकर्स इन द रिस्पॉन्स टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में, और ये जो प्रोसेस होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। याद रहे जो ऊपर है फ्यूजन ऑफ टू कंपेटेबल न्यूक्लियाई, अगर सेम माइसिलियम के दो हाइफा आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन के जरिए तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे होमोथैलेकी। अगर दो डिफरेंट फंजाई हैं उनके माइसिलियम के जो हाइफा हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हम हेट्रोथैलेकी टर्म यूज करेंगे। सो नेक्स्ट है सेक्स रिप्रोडक्शन इन फंजाई हैज थ्री फेजेस। फर्स्ट वन है प्लाज्मोगैमी, नेक्स्ट है कैरियोगैमी और थर्ड वन है मियोसिस। फर्स्ट स्टेज है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो मीन्स साइटोप्लाज्म, गैमी मीन्स फ्यूजन। तो इसका जो मीनिंग है यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फ्यूजन ऑफ टू साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स। किसी भी दो सेल्स का आपस में साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाए, फ्यूजन हो जाए, आपस में मिलाप हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। टू हप्लाइड सेल फ्यूज लीडिंग टू द डाइकैरियोटिक स्टेज वेयर टू हप्लाइड न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट करते हैं इन द सिंगल सेल। अब इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज की टर्म यूज हुई है। डाई मीन्स टू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो अगर एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, आपस में फ्यूज ना करें तो उसको हम कहेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सेम एज इट इज हमारे पास दो सेल है, तो अगर इसी स्टेज में ये हमारे पास ऐसे ही सेम एज इट रहे तो हम इसको कहेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज। तो ये एडवांस फंजाई में होती है और अनफेवरेबल कंडीशन तक ये डाइकैरियोटिक स्टेज ही रहता है। एक ही सेल में दो न्यूक्लियस रहते हैं, आपस में जायगोट नहीं बनाते। जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उस वक्त कैरियोगैमी का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेज है कैरियोगैमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन, यूनियन ऑफ न्यूक्लियस। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, द फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के आपस में न्यूक्लियस का फ्यूज हो जाना उसको हम कैरियोगैमी कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लास्ट वन डायग्राम में देखें तो इसमें आपको कैरियोगैमी नजर है, यहाँ पर टू न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए और आपको एक कैरियोगैमी यानी एक जायगोट नजर आ रहा है जो कि डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट है द हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट न्यूक्लियस। जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं किस फॉर्म में? डिप्लॉयड जायगोट में, जो कि 2n होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेगेटिव स्ट्रैंड है, ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रैंड है, तो सिंगल एन था, दोनों हैप्लॉयड थे। तो हैप्लॉयड से जैसे ही हमारे पास इन्होंने आपस में न्यूक्लियस जो थे इन्होंने फ्यूजन किया है तो वहां से हमारे पास डिप्लॉयड जायगोट बनता है। नेक्स्ट एक नोट है इंपॉर्टेंट, इन लोअर एक्वेटिक फंजाई फेज ऑफ कैरियोगेमी अक्कर इमीडिएटली आफ्टर द प्लाज्मोगेमी। जो हमारे पास लोअर एक्वेटिक फंजाई होते हैं, जाइगोमाइकोटिना आ गया, काइटेरियोमाइकोटिना हो गया, ओफाइकोमाइसीट्स हो गए, ये वो फंजाई हैं जिसमें प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद ही कैरियोगेमी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर हम जाइगोमाइकोटिना की बात करें, जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूजन करते हैं तो जाइगोट से जाइगोस्पोर बन जाता है, क्योंकि जाइगोस्पोर जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट रहता है और जाइगोस्पोर के बनने की वजह से ही इसको जाइगोमाइकोटिना का नाम दिया गया। बट इन हायर फंजाई कैरियोगैमी डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो हायर फंजाई होते हैं, बेसाइडियोमाइकोटिना हो गया, एस्कोमाइकोटिना हो गया, जो हमारे पास हायर फंजाई है, एडवांस फंजाई है, तो इसमें जो प्लाज्मोगैमी होता है उसके फौरन बाद कैरियोगैमी का प्रोसेस नहीं होता, काफी लॉन्ग टाइम के बाद फिर कैरियोगैमी का प्रोसेस होता है। थर्ड स्टेज है मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द जाइगोट न्यूक्लियस, इट प्रोड्यूसेस द हैप्लॉयड न्यूक्लियस।
अगर हम इस डायग्राम में देखें तो फर्स्ट वन में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। में जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगी, फर्स्ट मियोसिस होगी, मियोसिस वन में वन से टू में चेंज होंगे और मियोसिस टू में मजीद जो हमारे पास क्रोमोसोम की मिकदार होते हैं न्यूक्लियस होंगे वो डबल हो जाते हैं, तो टू से फोर हो जाएंगे। मियोसिस टू के बाद हमारे पास माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास स्पोर्स बनेंगे। द हैप्लॉइड सेल रिजल्टिंग फ्रॉम मियोसिस मैच्योर एंड अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो मियोसिस के बाद माइटोसिस होगी जिससे फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बनेंगे। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास जैसे ही जाइगोट, अगर हम इस ये हमारे पास डाइकैरियोटिक है, मतलब एक सेल में एक हाइफा में दो न्यूक्लियस हैं, तो जैसे ही आपस में इन्होंने मियोसिस की आपस में जाइगोट बनाए, तो जाइगोट के बनने के बाद फौरन ही इसमें मियोसिस हो जाए। तो देखें यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको फोर सेल नजर आ रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट वन फर्दर आपको यहाँ पर एट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास मियोसिस हुई, फिर माइटोसिस हुई। नेक्स्ट नोट है, परफेक्ट फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, व्हाइल इम्परफेक्ट फंजाई रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली। जो हमारे पास परफेक्ट फंजाई होगा वो खुद को सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, जिसमें हमारे पास एस्कोमाइकोटीना, बेसाइडियोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना आ जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई में ड्यूट्रोमाइकोटीना आ जाता है, जो कि हमारे पास अब की जो क्लासिफिकेशन है ट्रू फंजाई में ड्यूट्रोमाइकोटीना को निकाल दिया गया है, इसकी जगह ग्लोमेरुलोसिस को ऐड किया गया है। सो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम इतना फास्ट नहीं है कि जो कोर्स आउटलाइन को चेंज करके ड्यूट्रोमाइकोटीना को ऐड कर दिया जाए और ग्लोमेरुलोसिस को ऐड किया जाए, लेकिन आई डोंट नो पता नहीं कब इसको ऐड किया जाए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए ड्यूट्रोमाइकोटीना को रिप्लेस कर दिया गया है ग्लोमेरुलोसिस से। नेक्स्ट पॉइंट है, इन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई प्रोड्यूसेस स्पोर एंड डिस्पर्स फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डाइकैरियोटिक स्टेज। अब डाइकैरियोटिक स्टेज में जब हम इसको कवर करेंगे, आपका जो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, इसका टोटल कंसेप्ट कवर हो जाएगा, और आगे हम जितने भी बेसाइडियो माइकोटीना या एस्कोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना को करेंगे, उन सबकी रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज का कंसेप्ट क्या होता है, और एडवांस फंजाई में डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, जो लोअर फंजाई होती है उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज अब्सेंट होती है। एक हाइफा नेगेटिव स्ट्रैंड शो करेगा, जो दूसरा हाइफा होगा वो पॉजिटिव स्ट्रैंड शो करेगा। जो हमारे पास लोअर फंजाई होती हैं उसमें जो हाइफा होता है वो एसेप्टेट होता है, यानी सिनोसाइटिक होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जो एडवांस फंजाई होते हैं यानी हायर फंजाई होते हैं, जिसमें हमारे पास एस्कोमाइकोटीना, बेसाइडियोमाइकोटीना आ जाता है, तो इसमें जो हमारे पास हाइफा होता है वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट मीन्स पोर्शन, तो इसमें हाइफा में आपको पोर्शन नजर आएंगे, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं पोर्शन, और हर पोर्शन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जैसे ही दो हाइफा एक दूसरे के करीब आएंगे तो हार्मोन के जरिए ओवर ग्रोथ शो करेंगे, तो जैसे ओवर ग्रोथ शो करेंगे तो दो सेल जो होंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। सबसे पहले उनका साइटोप्लाज्म जो होगा वो आपस में फ्यूज करेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोगैमी। अब लोअर फंजाई में प्लाज्मोगैमी के बाद फौरन ही कैरियोगैमी का प्रोसेस होता है, जिससे जाइगोस्पोर बनता है। अगर हम जाइगोमाइकोटिना की बात करें, जो कि हमारे पास लोअर फंजाई है, तो इसमें जाइगोस्पोर बनता है। जाइगोस्पोर की बेस पर ही जाइगोमाइकोटिना को नाम दिया गया, क्योंकि डाइकैरियोटिक स्टेज अब्सेंट होता है लोअर फंजाई में, और डाइकैरियोटिक जो स्टेज है वो करैक्टेरिस्टिक्स है हायर फंजाई की। तो हम अपने इस डायग्राम की तरफ आते हैं, तो एक सेल में हमारे पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ से हाइफा प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास हाइफा जो होगा वो सेप्टेट ही होगा, तो हर सेल में दो आपको न्यूक्लियस नजर आएंगे, आपस में फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, दो हाइफा आपस में फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ही हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, वहां से एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जो कि हमारे पास एडवांस फंजाई की एक करेक्टरिस्टिक्स है। जाइगोट की मियोसिस होगी, मियोसिस से माइटोसिस होगी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको फर्स्ट वन फोर सेल्स नजर आ रहे हैं, ये मियोसिस में वन से टू, फिर मियोसिस जो टू होती है उसमें टू से फोर बनते हैं, तो सो एज इट सबसे पहले फोर सेल बनेंगे, फोर सेल के बाद जब माइटोसिस होगी तो उसमें एट सेल्स बनते हैं, जो कि एस्कोमाइकोटीना की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एट स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एस्कोमाइकोटीना की, तो एस्कोमाइकोटीना को सैक फंजाई भी कहा जाता है। उसको क्यों कहते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है फ्रूटिंग बॉडी में वो सैक लाइक बनता है, तो सैक लाइक के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो एस्कस का यूज करते हैं। अब एस्कस के अंदर जो स्पोर्स होंगे उसको हम एस्को स्पोर्स कहेंगे, और पूरी फ्रूटिंग जो बॉडी होगी, फ्रूटिंग बॉडी के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो कार्प का यूज करना है, कार्प मीन्स फ्रूट। तो इस अब फ्रूटिंग जो पूरी बॉडी होगी हम इसको क्या कहेंगे, एस्को कार्प।
ये आप जो छोटी छोटी मैं टर्म बता रहा हूँ ना, ये आप साइड पे नोट कर लीजिएगा। सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एस्कस कहेंगे, और एस्कस के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उसको हम एस्कोस्पोर्स कहेंगे, जो कि मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद माइटोसिस होती है। सेम एज इट अगर हम बेसाइडियो माइकोटीना की बात करें तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह का बनता है, वो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास बेसाइडियो माइकोटीना को क्लब फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्लब शेप का बनता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि इधर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरह का है, तो इसमें तो हमारे पास स्पेसिफिक स्पोर्स होंगे कि हमारे पास चार चार से आठ बनेंगे, मोस्टली हमारे पास आठ होते हैं, तो इसमें स्पोर्स मैन ही होंगे, रैंडमली होंगे, काफी ज्यादा प्रेजेंट होंगे। अब हम इसको क्या कहेंगे, क्लब लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बसाइडियम कहेंगे। अब बसाइडियम के अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे, बसाइडियम स्पोर्स। अब आप बताएं जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होगी उसको क्या कहेंगे, जी बिल्कुल, बसाइडियो कार्प कहेंगे। तो सेम एज इट हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एस्को माइकोटीना बसाइडियो माइकोटीना की, वो सेम एज इट ये है, ऐसे ही है, डाइक्योटिक स्टेज का कंसेप्ट, और टोटली यही कंसेप्ट है। उसमें जो डिफरेंस आ जाता है वो फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे आ जाता है। एस्को माइकोटीना की डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, जिसमें पेरिथीसियम, एपोथीसियम, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जो हमारे कमिंग सून लेक्चर होंगे। तो अब हम इस डायग्राम को एक बार देख लें। मोस्टली बुक्स में ना प्राइमरी माइसिलियम और सेकेंडरी माइसिलियम भी दिया होता है। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास हाइपा होगा, जो अभी आपस में रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उसको हम प्राइमरी माइसिलियम कहेंगे, और रिप्रोड्यूस होने के बाद जो उसमें से एक हाइपा बनेगा तो उसको हम सेकेंडरी माइसिलियम कहेंगे। और उसके बाद ये देखें, जब तक हाइपा में दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हो रहे तो उसको हम कहेंगे हप्लाइड हाइपे। याद रहे, इसे हम डिप्लाइड हाइफी कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुआ है, तो इसको हम हप्लाइड हाइफी कहेंगे, और इस स्टेज को हम कहेंगे डाइक्रोटिक स्टेज या डाइक्रोटिक हाइफी कहेंगे। तो ये डाइक्रोटिक स्टेज का कंसेप्ट था जो हायर फंजाई की एक करेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, फर्स्ट वन प्लाज्मोगेमी होती है, दो हाइफा के सेल आपस में फ्यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूजन होती है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है। लोअर फंजाई में उसी वक्त ही कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, और जो एडवांस फंजाई होते हैं उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है, एक लॉन्ग टाइम के बाद फिर कैरियोकाइनेसिस होती है। उसके बाद हमारे पास जैसे ही कैरियोकाइनेसिस के बाद जाइगोट बनता है, तो उसमें मियोसिस का थर्ड स्टेप बनता है, मियोसिस होगी जाइगोट की, तो मियोसिस के बाद माइटोसिस से स्पोर्स बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। जो जाइगोमाइकोटीना है, लोअर फंजाई है, तो उसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि वो हमारे पास लोअर फंजाई है, उसकी अभी तक इतनी एवोल्यूशन नहीं हुई कि तो वो फ्रूटिंग बॉडी हो। उम्मीद करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी कंसेप्ट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी मैंने टर्म बताए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टाटा।